अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जिस तरह बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स में और मॉल्स में राज कचौरी खाते हैं, उसी तरह की मैं आपके लिए कटोरी चाट लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की, लजीज और यूनिक सी अपनी अफ्तारी को कलरफुल बना सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी भी। इसको बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। 1.5 कप मैं ले रही हूँ मैदा, ये 1/2 कप है, 1.5 कप मैदा। और ये कटोरी चाट को बनाने मज़े का करने के लिए, कुरकुरा करने के लिए ये 1/2 कप इसमें सूजी डाल रही हूँ मैं। 1.5 कप मैदा और 1/2 कप सूजी। 1 टीस्पून लेवल है ये नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन है। अजवाइन को आपने हाथ पर क्रश करके हथेलियों में फिर डालना है। इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। मेजरिंग स्पून है ये, आप कोई भी ले सकते हैं। खाने वाला जो चम्मच होता है वो। इस ऑयल को आपने इसमें रब करना है, हर जगह मैदे में ये ऑयल चला जाए। और ये देखें, अब हम इसकी ये आप मुट्ठी बनाएंगे तो ये मुट्ठी बननी चाहिए। अगर इस फॉर्म में आ गया है ठीक है, कम लग रहा है, नहीं बन रही, तो आप थोड़ा सा ऑयल या घी और डाल लें। अब हम इसे पानी से सिंपल गूंद लेंगे। सेमी सॉफ्ट आपने इसको रखना है, बहुत ज़्यादा ना सख्त हो ना बहुत ज़्यादा नरम। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिएगा। मैं आपको अब इसे फाइनल करके दिखाती हूँ। ये देखें, आटे को मैंने गूंद लिया है। अब इसे हम रेस्ट के लिए, ना ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना नरम है, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट इसको हम रेस्ट देंगे। हमारी डो को रखे हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। अब आपने इसमें से पेड़ा लेना है, पूरी से बड़ा होना चाहिए और रोटी से कम। इसको आपने स्मूथ सा कर लें, पेड़ा बना लें। थोड़ा सा ऑयल डालें, इसको ग्रीस कर लें और आपने इसे बेल लेना है। बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए ये रोटी और बहुत मोटी भी नहीं, बस दरमियानी। ज़रूरी नहीं है कि गोल ही हो, कटोरी की शेप आ जाएगी खुद। आपने ये बेल ली रोटी। इसके बाद इसको आपने, इसलिए कि हम ये कटोरी बना रहे हैं तो हमें ये फूली भी नहीं चाहिए, तो आपने इसको कांटे से प्रिक कर देना है। अगर नहीं करेंगे तो ये फिर फूल जाएगी, ये आपने लाजमी करना है। और ये देखें, मैंने ये एक कटोरी ली है इस तरह की। आपने कटोरी पर हल्का सा 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के डालने और इसको सारा इस पर मल देना है। ये इसलिए कि जब हम इसको ऑयल में डालेंगे तो कटोरी खुद ब खुद हमारे जो मैदे का बैटर है, हमने डो बनाई है, उसको छोड़ देगी, चिपकेगी नहीं इसके साथ। और अब आपने इसको ये ऐसे उठाना है और ये इसके ऊपर आपने इसे कटोरी की शेप दे देनी है। और जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है वहाँ से आप एक छोटी सी प्लेट डाल दें। अब ये इसके ऊपर आ गई है। अब दोबारा से इसको थोड़ा सा आपने, क्योंकि हमने हाथ से उसको किया है, तो इसको फिर से प्रिक कर लें। उससे ये होगा कि ये फूलेगी नहीं। ऑयल मैं गरम रख चुकी हूँ कढ़ाई में और मैं थोड़ा सा ये डो जो बनाइए यही आटा में डाल रही हूँ। हमें मीडियम सा गरम चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल सही गरम है। अब ये आपने इस कटोरी को पकड़कर ये आप इसको इसमें रख दें। हीट जो है मीडियम है और ये इससे ज़रा इसको पकड़ लें। ये देखें हमारी कटोरी ने सारा बेस उसको छोड़ दिया है और इसके अंदर ऐसे ऑयल डालें आप। चम्मच से आप इसमें ऑयल डाल दे जाएं ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए, क्योंकि ये अभी गर्म है तो ये अभी पकती भी रहेगी। और ये बड़ा खूबसूरत इसका ये देखें प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो आप इसे गिलास के साथ भी बना सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। स्टील के गिलास तो हर घर में होते हैं। 1 से 2 ड्रॉप ऑयल के डाल लें, इसको ग्रीस कर लें, ये इसके ऊपर ये गिलास पे आपने डाल दिया। अच्छा, गिलास पर आप इसको ऐसे प्लेट्स डालते जाएं। और इसे दोबारा से आपने प्रेक करना है। ये देखें, ये अब आपको मैं गिलास से दिखा रही हूँ। और गिलास में करना ज़्यादा इजी है कि आप इसको बस ऐसे पकड़ के रख लें। ये देखें गिलास निकलना शुरू हो गया। ये माशाल्लाह गिलास भी हमारा बाहर आ गया है। ये देखें माशाल्लाह, क्योंकि ये अभी गर्म है तो ये अभी पकती भी रहेगी। और ये बड़ा खूबसूरत इसका ये देखें प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। हमने कटोरियाँ बना ली हैं। ये मैंने उसी कटोरी से एक बड़ी बनाई है और एक मैंने ये छोटी बनाई है। और ये गिलास से ये देखें मैंने कटोरियाँ बना के रखी हुई हैं। और आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी, ये करंची भी कितनी है। ये देखें मैंने एक एयरटाइट बॉक्स लिया है, डब्बा लिया है। अब इसमें मैं इनको बंद करके आप इनको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको फिल करके दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह फिल करना है और क्या चीज़ें डालनी हैं, और आपको मज़ा आ जाएगा देखकर। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल किए हुए थे। ये चने हैं जो कि मैं बॉईल करके रखती हूँ। इसमें अब आप डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई। ये 2 से 3 टेबलस्पून में प्याज डालूँगी इसमें, टमाटर 1 लेवल करके 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून काला नमक, ये भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लेवल लाल मिर्च, ½ टीस्पून चाट मसाला, 3 से 4 टेबलस्पून दही। ये मैंने हरे चटनी बना के रखी हुई है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा और अदरक का पीस डाल के। ये हम इसमें डालेंगे 1–2 टीस्पून। 1 टेबलस्पून इमली की मीठी चटनी, सौंठ वाली। हरा धनिया, हरे धनिया के बगैर तो चाट मुकम्मल ही नहीं होती। और इन सब मसाला जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं इनको आपने अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इस सब को आपने मिक्स कर लेना है। लग रही है ना बाज़ार वाली चाट। जब हम इसे कटोरियों में सर्व करेंगे, ये देखें अब हम इसको सर्व करते हैं। आपने ये इसमें डालनी है। ये दही बूंदी है, ये ज़रा क्रंच इसमें आएगा। पापड़ी आपके पास है, पापड़ी डाल लें। गोलगप्पे अगर रखे हुए हैं वो डाल लें, इससे ज़रा क्रंच आ जाएगा। थोड़ा सा चाट मसाला, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये जाएगी अब हमारी दही। थोड़ी सी प्याज, टमाटर, हरी चटनी और हमारी सौंठ वाली चटनी। कटोरी चना चाट रेडी है, तैयार है। आप इसे रोज़ों में बनाएं, वैसे एज आ स्नैक्स बनाएं। आपको ये इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। शुक्रिया।